अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फैजी टेक यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि हम विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10 के अंदर जब आप कोई डायरेक्टरी बनाते हैं या फोल्डर जिसे कहते हैं, तो वो आपकी डिलीट नहीं होती, वो एक गूस्ट फोल्डर के नाम से या ऐसी उस कैटेगरी में चली जाती है और डिलीट नहीं होती। और जब आप उसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास उससे एरर आता है, कुड नॉट फाइंड दिस आइटम एंड दिस इज़ नो अवेलेबल ऑन दिस लोकेशन, वेरीफाई लोकेशन एंड ट्राई अगेन। तो इस तरह का एरर आता है और वो चीज़ आपकी डिलीट नहीं होती। तो वो आज किस तरह ख़त्म करनी है तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपने यहाँ रन कमांड के अंदर CMD लिखना है। CMD यानी कमांड ये लिखेंगे और ओके करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है CD फ्रंट स्लैश, और यानी जैसे एक बैक स्लैश होती है, एक फॉरवर्ड स्लैश होती है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद स्पेस दे के बाद D लिखना है, और उसके बाद जहाँ पे आपका फोल्डर पड़ा है उसकी लोकेशन लोकेशन देखने के लिए आपने उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने स्पेस के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। जब आप अभी जो आपकी चीज़ है यानी यहाँ पे हुई है हमारी चेन डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी सब पहले हम थे फैज़ान अली पे और अब हम डेस्कटॉप पे चले गए हैं, यानी आपके अपनी डायरेक्टरी पे आपने सबसे पहले आपने डायरेक्टरी चेंज करनी है। उसके बाद आपने डायरेक्टरीज़ को हम डायरेक्टरीज़ की लिस्ट देखेंगे। डायरेक्टरीज़ की लिस्ट देखने के लिए DIR स्पेस और फ्रंट स्लैश और X हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास इंटर करेंगे तो डायरेक्टरी की लिस्ट आ जाएगी। ये तमाम डायरेक्टरीज हमारे पास हमारी इस डेस्कटॉप पे मौजूद हैं, ठीक है। हमने डिलीट करनी है कि ये डायरेक्टरी हाउ टू यूज़ यूट्यूब क्रिएटर बीटा, तो इसको हमने डिलीट करना है। आपने इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ यूट्यूब क्रिएटर बीटा एंड ओवरव्यू इन उर्दू हिंदी, ठीक है। इसको आपने फाइंड करने के बाद यहाँ पर आपने एक और कमांड लिखनी है, कमांड का नाम है RMDIR फ्रंट स्लैश Q स्पेस फ्रंट स्लैश S RMDIR एक बार की यानी रिमूव डायरेक्टरी के बाद स्पेस है, फिर फ्रंट स्लैश Q फिर स्पेस फिर फ्रंट स्लैश S फिर स्पेस, और फिर आपने फोल्डर का नाम लिखना है। नेम आपने ये वाला पूरा नहीं लिखना बल्कि एक पीछे ये नेम आपको नज़र आ रहा है हाउ टू यू, और ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है एक एक वेव सी, वो आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है और उसके बाद आपने लिखना है। चलिए हम लिख लेते हैं HOWTOU और वो वेव आपने प्रेस करनी है। आप इसे शिफ्ट प्रेस करके और एस्केप के नीचे जो बटन है उसकी मदद से कर सकते हैं, और 1 प्रेस करना है और उसके बाद आपने इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वो डायरेक्टरी रिमूव हो गई है। तो इसी तरह आप तमाम डायरेक्टरीज़ को जहाँ पे आपके पास रिमूव नहीं हो रही आप इनको रिमूव कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप तक अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बेल आइकन पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी उस वीडियो का मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।